हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, डेली वाइज यहां पर वीडियो डाली जाती है और आपको सिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से आप पोजिशनली लॉन्ग टर्म में और इंट्राडे करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके के लेवल्स, ये सब चीज से रिलेटेड हम बातें करते ही है। तो आज हम चार्ट ऑफ द वीक लेके आए हैं जहां पर एक अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। और एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक, जैसे कि आपने स्टॉक थंबनेल में देख ही लिया है, इंडियन मेटल्स, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे। तो क्या कंपनी करती है वो उससे रिलेटेड जानेंगे, ओके, कंपनी की क्या फाइनेंशियल्स है वो सब जानेंगे, और जानेंगे कि कंपनी या चार्ट पैटर्न क्या बना रही है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, एक तरीके से ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो एक बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। और बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बिना किसी की हेल्प के यहाँ पर कमा पाएंगे। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं इन पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए कल आपको कुछ स्टॉक्स यहां पर दिए थे, BDL दिया था, ओके, लगभग 17% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। अतुल ऑटो दिया था यहाँ पर 2-3%, वो भी भागा। पारस डिफेंस भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स में आपको देते रहते हैं, निफ्टी 50 के लेवल्स भी दिए थे। तो आइए वीडियो की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे इंडियन मेटल्स से रिलेटेड। इंडियन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो 467 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, 498, 2 अगस्त 2021 को ये शेयर गया था, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद अगेन जंप और एक ब्रेकआउट पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ ही दिन में शायद ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए अभी से ही ये स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ, ताकि जब भी ये लेवल्स आए तो याद रखिए यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, 10-15% 20% के रिटर्न ईजिली बन जाएंगे। और 32% के अलावा 1,60,000 शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कंपनी ने देखिए 7 जैन 2022 को यहाँ पर 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया था, ओके, एज वेल एज अगर हम देखें तो कंपनी साथ साथ में यहाँ पर डिविडेंड देती है, 2021 में 3 बार यहाँ पर डिविडेंड दे चुकी है। और यहाँ पर और कुछ बातों का अगर ध्यान दे तो 58% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की अगर आप देखेंगे तो बोनस देखिए 94, 95, 97, 21 में यहाँ पर बोनस दी थी हुई नजर आई है कंपनी। स्प्लिट की बात करें तो कोई स्प्लिट नहीं हुआ अभी तक, तो कंपनी आगे चल के अगर अच्छा खासा कंपनी वर्क करेगी तो ऑब्वियसली बात है स्प्लिट भी होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी गई है 2021 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ये किया जो नेगेटिव में चल रहा था, एक साथ प्रॉफिट में आया अच्छा खासा, कंपनी ने बोनस भी अनाउंस कर दिया। जो नेगेटिव में यहाँ पर EPS चल रहा था अच्छा खासा, यहाँ पर अब EPS चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर एज इट इज बनी हुई है। FIs की होल्डिंग की बात करें, FIs भी लगभग 1.07% की होल्डिंग है। DIs भी यहाँ पर 0.01% की है। पब्लिक के पास यहाँ पर 40% की होल्डिंग है यहाँ पर। तो अच्छी खासी होल्डिंग हर जगह यहाँ पर नजर आती है। तो इंडियन मेटल से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन मेटल करती क्या थी कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो हमारे घर में एक संदूक पड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ था इंडियन मेटल्स। तो इंडियन मेटल्स बहुत पुरानी कंपनी है, क्योंकि वो संदूक ही इतना पुराना है कि मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि इंडियन मेटल्स काफी बेहतरीन और बड़ी कंपनी है, और जो संदूक है काफी मजबूत है क्योंकि लगभग 40-50 साल उसे हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें, इंडियन मेटल्स एंड फेरोलाइज इज लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर ऑफ फेरोक्रोम इन इंडिया, विच इज प्राइमरली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। इट वॉज सेटअप इन 1961, देखिए यहाँ पर 1961 में यहाँ पर सेटअप होती हुई दिखाई दी, लगभग 60 साल पहले यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर सेटअप हुई थी। फेरोक्रोम की बात करें तो लगभग 100% का यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट में को एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है जापान और कोरिया के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं टू द इज कंट्री मेनली जापान एंड कोरिया। स्प्लिट की बात करें इंटरनेशनल से 94%, इंडिया से केवल 6% को यहाँ पर इनका बिजनेस यहाँ पर स्प्लिट, मतलब ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें यहाँ पर साउथ कोरिया है, जापान है, यहाँ पर जो कंपनी के नाम भी दे रखे हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट की बात करें जिंदा स्टेनलेस, AIA इंजीनियरिंग, शाह एलॉयज, विराज प्रोफाइल्स, ये इनके कुछ डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा साइक्लिकल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पर कम्युनिटी या मेटल्स की इंडस्ट्री है वो साइक्लिकल है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू द साइक्लिकल नेचर ऑफ द फेरोअलॉयज इंडस्ट्री इन द पास्ट। IMFA हैज विटनेस्ड कंसीडरेबल वोलेटिलिटी इन कैश फ्लो ड्यू टू
फ्लक्चुएशंस इन फेरोक्रोम प्राइजेस, तो जिस तरीके से क्लिकल है उस वजह से यहाँ पर प्राइस में अपसाइड डाउन्स आते रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में यहाँ पर दे रखा है, लोकेशन के बारे में दे रखा है, कंपनी यहाँ पर है, ये इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन, इस सभी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। डीमर्जर ऑफ प्रमोटर ग्रुप्स का यहाँ पर डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया था। एक बार इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो 60 आवर ट्रस्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार इनकी कंपनी के वेबसाइट पर विजिट करिएगा, इनके पोर्टफोलियो को देखिएगा, कंपनी मैनेजमेंट ओवरऑल आप यहाँ पर एक बार देखिएगा तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो मार्केट कैप यहाँ पर 2507 करोड़ का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में किस तरीके का चार्ट पैटर्न होता है आपने देखा ही है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके के यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कभी यहाँ पर ये शेयर अगेन उसी प्राइस पर चलता था, फिर अच्छा खासा करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर भागा फिर करेक्ट हुआ, फिर भागा फिर करेक्ट हुआ। तो हमेशा याद रखिए आपको थोड़ा समझदारी से, क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस है तो यहाँ पर जब भागेगा तो अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। 60-50 रुपये वाला शेयर यहाँ पर आपको 500 रुपये तक दे भागता हुआ नजर आएगा, और अगर गिरावट होगी तो उसी तरीके की गिरावट भी होती नजर आएगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर की बात करें हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए, और कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पर जंप देखी गई और अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% है, जो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा है। ओके, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 122 करोड़ रुपए का, एक्सपेंसिस यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पर देखेंगे ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। और भी पॉइंट्स की बात करें, ईयरली बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ एक देखने लायक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जंप है, और पिछले 12 क्वार्टर में 2422 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 430 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है पिछले 12 क्वार्टर में, जो कि कभी भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, यहाँ पर 1438 करोड़ के रिजर्व्स है, हाईएस्ट एवर। बोरिंग की बात करें, कंपनी के पास कभी 1100-1200 करोड़ की बोरिंग थी, वो कम होते होते यहाँ पर 656 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग रह गई है। वर्किंग प्रोग्रेस में बात करें तो 247 करोड़ रुपए जो यहाँ पर एड होंगे, तो यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू सब चीज यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट 175 करोड़, कैश की बात करें 75 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है, और जो भी काम करती है वहां से पैसा मिलता हुआ दिखाई देता है इन्हें। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.69%, FIs भी है, DIs ना के बराबर ही है यहाँ पर। और पब्लिक की बात करें 40% के शेयर है, पर 40 में भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिमिटेड कंपनीज दे रखी है उन्होंने। यहाँ पर देखिए मुकुल अग्रवाल सर की भी यहाँ पर 1.85% की होल्डिंग है, तो यहाँ पर 13% ये हो गया, 6% ये हो गया, लगभग 21% 22% 23.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। तो पब्लिक के पास थोड़े बहुत शेयर ही यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट ऑफ द वीक में लेने का रीजन क्या है, सबसे पहले ये एक बड़े स्वीट स्पॉट पे खड़ा हुआ है। तो स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लेवल में आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, सबसे पहले तो इस लेवल को क्रॉस करता है 487 रुपए 50 पैसे, इसे क्रॉस करता है लगभग 488 को यहाँ पर क्रॉस करता है, तो यहाँ पर एक जंप होती हुई दिखाई देगी जो इस शेयर को यहाँ पर लेके जाएगी एग्जैक्ट लेवल 498, लगभग 499 को फिर लेके जाएगी। और 499 भी अगर क्रॉस हो जाता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी जंप आती हुई दिखाई देगी जो इस शेयर को और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी मेटल का इंडेक्स देखेंगे, एकदम ब्रेकआउट पर ये भी खड़ा हुआ है, या तो ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा या यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर गया तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरे स्टॉक्स भी है जो ये भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो इसकी तरफ नजरें बनाइएगा। एक हर्डल देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक भी जाता है अपने ऑल टाइम हाई तक, जो 52 वीक हाई है उधर तक भी जाता है, तो 8% के रिटर्न आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट में ये स्टॉक्स कहाँ तक चल जा सकता है उससे रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये कब बनाया, कब बना के यहाँ पर एक हैंडल बनाया बना रहा है, और इस कब विद हैंडल पैटर्न का चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो इसके टारगेट नजर आते हैं उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो उसके अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो लगभग यहाँ पर अच्छे खासे इसके टारगेट नजर आते हैं, एक बार देख लेते तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस शेयर के टारगेट लगभग 700 रुपीज तक ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से लगभग 50% मोर यहाँ पर दिखाई देता है, मोर देन 50 यहाँ पर रिटर्न आपके बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 53-54% के रिटर्न इजीली बनते हुए नजर आते हैं। 700 रुपए तक ये शेयर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ब्रेकआउट होते होगा तब। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ रहे हैं,
और यहाँ पर अगर 500 को क्रॉस कर देता है तो एक ब्रेकआउट होगा जो कि इसे 700 रुपये तक आने वाले टाइम में यहाँ पर लेके जाएगा। 700 रुपये का मतलब है कि ये यहाँ पर अगर एक साल में भी 700 रुपये तक ये पहुँच जाता है तो 54% के रिटर्न आते हैं। तो इफ हम केवल 40% के रिटर्न चाहते हैं कि 40 के मिल जाए, यहाँ तो 53 के मिल रहे हो, 53% के रिटर्न बहुत बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं और एक साल में भी मिल जाए तो कोई बेहतरीन इससे बेहतरीन रिजल्ट नहीं होगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है, वीडियो तक लास्ट तक हमेशा बने रहे करें ताकि आपको चीजें समझ में आए, और सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।